हमीरपुर में केवल नेटवर्क पर पिछले 6 सालों से सेवाएं दे रहे एच टूडे चैनल ने आज अपनी 6वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई। एच टूडे चैनल के गांधी चौक स्थित प्रधान कार्यालय में तमाम ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकारों की मौजूदगी में सादे समारोह में केक काटकर एच टूडे न्यूज चैनल की 6वीं वर्षगांठ को मनाया गया। इस अवसर पर एच टूडे प्रबंध निदेशक अरविंद सिंह और जसवीर कुमार ने एच टूडे की 6वीं वर्षगांठ के मौके पर समाचार पत्रों के ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकारों के पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। बता दें कि एच टूडे न्यूज चैनल का सफर आज से 6 साल पहले शुरू हुआ था और इससे पहले एच टूडे चैनल केवल नेटवर्क पर ही हलचल के नाम से 1 घंटे के स्लोट के साथ प्रसारित होता था। अपने शानदार 6 साल पूरे होने पर एच टूडे चैनल ने अपने सभी दर्शकों और विज्ञापन दाताओं का भी आभार व्यक्त किया है। और उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में भी एच टूडे चैनल को लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा। इस मौके पर सभी प्रमुख समाचार पत्रों के ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकारों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने शिरकत की। वहीं शहर के मशहूर मिठाई विक्रेता सूरज स्वीट के प्रबंधक अशोक दमीजा रजत ट्रेडर्स के मालिक रमेश सिंह भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर इनोवा कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की सहायता से अपनी गाड़ियों में ले जाकर जिला अस्पताल बिलासपुर पहुंचाया गया, जहां पर घायलों का उपचार किया गया। सड़क के दोनों ओर जाम की स्थिति भी बनती नजर आई। आपको बता दें कि इनोवा कार बिलासपुर से स्वारघाट की तरफ जा रही थी और मोड़ पर ब्रेक ना लगने के कारण सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। कार नंबर HP31A9093 और ट्रक स्वारघाट से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। ट्रक नंबर HP23D2577 था। जानकारी के अनुसार इस कार में कम से कम 7 से 8 लोग सवार थे, जिनमें 5 को गहरी चोटें आई हैं और स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना बुधवार करीब 10:30 बजे हुई है और जामली से 1 किलोमीटर आगे बनाली खड्ड के पास घटना घटी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस विभाग मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर जिला की पुलिस की सुरक्षा शाखा व विशेष अन्वेषण इकाई की संयुक्त टीम ने बस सवार व्यक्ति से लगभग 40 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद किया है। संयुक्त टीम ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई हेतु सदर थाना को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा शाखा के प्रभारी मुख्य आरक्षी सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में बिलासपुर के 7 के 9 के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात जांच के लिए नाका लगाया गया था। इस दौरान चंडीगढ़ से झंडूता जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस को जांच के लिए इशारा कर सड़क किनारे रोका गया। जांच के दौरान बस में सवार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। शक के आधार पर व्यक्ति को जांच के लिए सीट से खड़ा किया गया और चेकिंग के दौरान पॉलीथीन की पुड़िया बरामद की गई। पुड़िया को खोलकर देखा गया तो उसमें हीरोइन पाई गई। बरामद चिट्टे को टीम ने अपने पास रखा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर उसका वजन 39.35 ग्राम पाया गया। आरोपी व्यक्ति की पहचान असरयाल पुत्र लालदीन जिला कुल्लू के रूप में हुई है। DSP बिलासपुर संजय शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस की सुरक्षा शाखा व विशेष अन्वेषण की टीम ने बस सवार यात्री से चिट्टा बरामद किया। आगामी कार्रवाई के लिए उसे अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस आरोपी से छानबीन कर रही है कि वो कहां से चिट्टा लेकर आया और कहां लेकर जा रहा था।
श्री नैना देवी मंदिर के समीप एक चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें मंदिर के आसपास भीख मांगने वाली छोटी छोटी बच्चियां इसमें शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब से आए श्रद्धालु ओम प्रकाश फिरोजपुर कैंट और अन्य माता के दर्शन के लिए गए, तो छोटी छोटी लड़कियों ने उनके कमरे से मोबाइल फोन, नगद पैसे और कीमती सामान उठा लिया। हालांकि एक लड़की को श्रद्धालु ने पकड़ लिया, यहां तक कि श्रद्धालु के पास घर वापस जाने के पैसे तक नहीं रहे थे। श्रद्धालु का कहना है कि एक लड़की ने माना कि उन्होंने पैसे आपस में बांट लिए हैं। श्रद्धालुओं ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को भी इसकी बारे में सूचना दी थी। जानकारी के मुताबिक यहां मंदिर के आसपास प्रवासी मजदूरों की लड़कियां, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और अन्य प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों की हैं, इतनी शातिर हो चुकी हैं कि श्रद्धालुओं के हाथों से पैसे छीन लेना, कमरे से सामान उठाकर ले जाना आदि करती रहती हैं। ऐसे मामले प्रकाश में आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने मांग की है कि लड़कियों पर शिकंजे कसे जाएं। इन लड़कियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये श्रद्धालुओं को पैसा ना देने पर बद्दुआ तक देती हैं। उन्हें कहती हैं कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और 100 रुपए तक लेने की मांग करती हैं। हर लड़की हर रोज लगभग 1000 रुपए कमा लेती है। श्रद्धालु ओम प्रकाश का कहना है कि इनके पीछे किसी बड़े गैंग का हाथ है, जो इन्हें सुबह 4 बजे छोड़ जाता है और रात करीब 10 बजे तक लड़कियां यहां मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं के साथ छीना झपटी करती हैं। अब तो श्रद्धालु कन्या पूजन से भी कतराने लगे हैं। श्रद्धालु स्थानीय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन लड़कियों पर शिकंजा कसा जाए, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था पर कोई ठेस ना पहुंचे।